हम भी आपके बीच में कहना चाहते हैं, कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्रों को देख लीजिए। मैं चुनौती देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि पुराने संकल्प पत्र देख लीजिए, विधानसभा के अंदर किए गए वायदे भी देख लीजिए। उनको भी मैं निकलवा रहा हूं कि विधानसभा ने आपने क्या बोला है, क्या जनता के बीच में वायदा किया है। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, चुनौती भी देना चाहता हूं, या मैंने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बात रखी है, या मैंने या मेरे किसी मंत्री ने विधानसभा में बात रखी है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप लिख लीजिए, एक एक बात को पूरी करेंगे, एक एक बात को पूरी करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, आपने देख लिया, आपने देख लिया, 5 साल इन्होंने हर कोई भी संकल्प पत्र आया, कोई भी अपना विधानसभा का भाषण आया है, इन्होंने ईआरसीपी का जिक्र किया है, इन्होंने किसानों का जिक्र किया है, इन्होंने क्या क्या वायदे किए हैं, क्या इन्होंने पूरा किया, क्या इन्होंने पूरा किया? जनता के बीच में जाकर किसको बताएंगे कि इन्होंने पूरा किया क्या? हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अरे मध्य प्रदेश में तो आपकी भी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? आप हमसे पूछते हैं, मेरे से पूछ रहे, ईआरसीपी में आपने इतना पानी तय था, अरे भाई आपने तय किया वो मेरे को बता दो, आपके पास कोई कागज हो वो बता दो, आपके पास कोई समझौता हो वो बता दो, आपने कोई ईआरसीपी में काम किया हो वो मेरे को बता दो, आपके पास कुछ है नहीं। हमारा काम है, हमने 2013 में स्कीम बनाई, उस स्कीम को आपने बढ़ाने का काम करते तो भी हम मान लेते, आपने तो उसको ठप कर दिया। आपने कमलनाथ को पत्र लिखा, उसने उल्टा पत्र लिख दिया कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, यही नहीं कोर्ट में और चले गए। हमने हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कहा इस कोर्ट के केस को वापस लीजिए, उन्होंने तीसरे दिन वापस ले लिया। ये होता है भाईचारा। हमने कहा समझौता करेंगे, आप दिल्ली आ जाइए, उन्होंने कहा कि दिल्ली नहीं, मैं पहले जयपुर आ रहा हूं, आपको साथ लेके जाऊंगा, आपकी जो मर्जी है, वो समझौता राजस्थान की जनता को करने वाले हैं। हमने कर किया है,